फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज दबंग 3। मुश्किल से 10 दिन बाकी है इसकी रिलीज को लेकर और कुछ चीजें मुझे आपको ये बतानी है। अगर आपके मन में सवाल है कि इस फिल्म का बजट कितना है, अगर आपके मन में सवाल है कि फिल्म को कमाने के लिए हिट होने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, सुपर हिट होने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, ब्लॉकबस्टर हिट होने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, तो उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये तो बात मैंने कही है आपको कि इस फिल्म ने ऑलरेडी रिलीज होने से पहले 155 करोड़ तक की कमाई कर ली है, वो भी डिजिटल राइट से, सैटेलाइट राइट से और म्यूजिक राइट से। डिजिटल राइट जहां पर बात की जाए वो लगभग 60 करोड़ के आसपास बिका, सैटेलाइट राइट इसका 80 करोड़ के आसपास और 15 करोड़ म्यूजिक से आया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल ही आई थिंक बात बताई थी, लेकिन अब मेन चीज ये है कि बजट कितना है। तो दबंग 3 का बजट 120 करोड़ बताया जा रहा है। वैसे तो फिल्म ने इससे ज्यादा ही कमाई कर ली है, लेकिन वो कमाई मायने नहीं रखती है, बॉक्स ऑफिस पर इसे कमाई करनी होगी, उस हिसाब से फिल्म को हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हिट घोषित किया जाता है। वो भी जो कमाई होगी वो इंडिया में ही करनी पड़ेगी उसके बजट के हिसाब से, तब जाके इसे वो स्टेटस मिलेगा। यानी कि मान लो 120 करोड़ बजट है, जैसे मैंने कहा 120 करोड़ बजट है, अगर वर्ल्ड वाइड ये 160 करोड़ कमाती है तो उसे वो स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरसीज का कलेक्शन या उसका जो रेट है वो अलग से किया जाता है। इंडिया में हिट है, सुपर हिट है या नहीं वो मैटर करता है एक्चुअली। तो यहां पर 160 से 170 करोड़ इसे कमाने पड़ेंगे हिट स्टेटस इसे मिलने के लिए, और यहां पर इसे सुपर हिट स्टेटस अगर 190 से 200 करोड़ अगर तक इसका कलेक्शन जाएगा, 190-200 करोड़, तो इसे सुपरहिट स्टेटस मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर स्टेटस के लिए इसे 240 से 250 करोड़ तक का फासला है जो तय करना पड़ेगा, और 300 करोड़ के ऊपर अगर ये जाती है तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का इसे एक टैग मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ मुझे लगा आपको बताना बहुत जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। मैं खुद चाहता हूं कि भाईजान की फिल्म इस बार 200 नहीं बल्कि 300 करोड़ का आंकड़ा टच करे, क्योंकि टाइगर जिंदा के बाद से वो चीजें हम मिस कर रहे हैं। रेस थी से मिस हो गया और वो मिस हो गया था भारत से, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सलमान खान अपने ही जोन में है और यहाँ पे लगता है चांसेस है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि साउथ में भी इस फिल्म को बहुत बड़ी तरह से प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली कनाडा वर्जन में। है ना, वो चांद दूर नहीं है या फिर दिल्ली दूर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वी आर होपफुल कि बढ़िया कलेक्शंस करे, बट हाँ ये फिल्म को 200 के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहेगी, ये आप समझ जाएंगे, और एक हफ्ते में ये ऐसे दबा के कलेक्शंस करेगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। सलमान खान की फिल्म पहले हफ्ते में जिस तरह से कलेक्शंस करती है उस तरह से कोई किसी स्टार की फिल्म नहीं करती, सभी आपको पता है। सो होपफुल कि एक जो कलेक्शंस हो इसका 250 करोड़ के ऊपर ही हो, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुमकिन है। आप ही क्या रहे इस फिल्म के बजट को लेकर, इस फिल्म के हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर हिट के स्टेटस को लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना है।